नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लगातार सियासी गर्मियां लगातार बढ़ रही थी दिल्ली में बीजेपी की सरकार को लेकर। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि जल्द ही सरकार बीजेपी की बन सकती है। खरीद फरोख्त के भी आरोप लग रहे थे, स्टिंग भी कहीं किए गए, लेकिन अब ये पूरा जो मामला है वो ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं ये बात क्या बीजेपी नेताओं को समझा दी है कि बीजेपी को इस वक्त दिल्ली में सरकार नहीं बनानी चाहिए, क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार अब नहीं बनेगी, और क्या नरेंद्र मोदी ने ब्रेक लगा दिया है, सवाल यही है। और क्या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, इन तीनों ही बड़ी पार्टियों में से कोई भी दिल्ली में सरकार बनाने अब आगे नहीं जा रहा है, क्या चुनाव ही एकमात्र विकल्प दिल्ली की जनता के सामने बचा है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार ठंडे बस्ते में, मोदी ने क्यों लगाया ब्रेक, अब दिल्ली में कैसे बनेगी सरकार। पहले मोदी सरकार जो है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी सरकार ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि मोदी सरकार अब दिल्ली में जोर तोड़ की सरकार नहीं बनाना चाहती। पार्टी आला कमान भी जोर तोड़ से सरकार बनाने के खिलाफ है, और पार्टी अपना पूरा ध्यान अगले कुछ हफ्ते में होने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों पर रखना चाहती है। पार्टी का मानना है कि उपराज्यपाल अगर न्योता देते हैं तभी इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी ने आखिरी फैसला तीन नेताओं पर छोड़ा है। पीएम मोदी और बीजेपी आला कमान ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने की हालत में आखिरी फैसला लेने का अधिकार नितिन गडकरी, प्रभात झा और सतीश उपाध्याय पर छोड़ा है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव कराने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी के लिए आप नेता ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात में बीजेपी पर किए स्टिंग की कॉपी दी और मांग की कि वो अपना फैसला बदले। आज हमने उनको स्टिंग की कॉपी दी है जिसमें दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए देके खरीदने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए 4 करोड़ रुपए देके खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये बात हमने एलजी साहब को बताई, तो हमने उनसे आज रिक्वेस्ट किया कि आपने जो प्रेसिडेंट साहब को चिट्ठी लिखी है उसमें आपने बीजेपी की सरकार बनाने की एक तरह से इजाजत मांगी है उनसे, बीजेपी की सरकार बनाने देने के लिए। हमने एलजी साहब को कहा है कि ये रिक्वेस्ट अब बदल दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाने की कोशिश में है, और अगर हॉर्स ट्रेडिंग करके दिल्ली में सरकार बनेगी तो वो ईमानदारी को तो छोड़िए, दिल्ली की समस्याओं को भी दूर नहीं कर सकती। दिल्ली में महंगाई, भ्रष्टाचार की समस्याएं दूर नहीं कर सकती, स्कूल एजुकेशन की समस्याएं, हॉस्पिटल की समस्याएं दूर नहीं कर सकती। अपनी पार्टी पर लग रहे आरोपों पर बीजेपी ने भी सफाई देने में देरी नहीं की, और पार्टी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आपको अपनी चिंता करने के लिए कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लेफ्टिनेंट गवर्नर और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, सरकार बनना या नहीं बनना ये आम सी बात है। आज दिल्ली में स्थिति ये बनी है, कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे राज्यों में भी ऐसा हुआ है। और बीजेपी सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी आप अपनी चिंता कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप चिंतित क्यों हैं? आपको ये क्यों लगता है बार बार कि मेरे एमएलएस को खरीदा जाएगा? आपके लोग आपके बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं? कुमार विश्वास की टिप्पणी आपके सामने है। आपका जो डिक्टेटरशिप है वो आपकी पार्टी में तो चल सकती है, हालांकि वहां भी चलना मुश्किल है, वहां भी चलना मुश्किल है, उसके विरोध के स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसलों पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि एलजी निष्पक्ष फैसले ले। सवाल ये है कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनको फैसला निष्पक्ष तौर पर करना चाहिए। सरकारें बदलती रहती हैं, सत्ताएं बदलती रहती हैं, हुक्मरान बदलते रहते हैं, लोकतंत्र में तख्ते पलटते रहते हैं, पर जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं उनको बगैर किसी दबाव के नीचे आए फैसला करना चाहिए, उचित फैसला करना चाहिए, जो फैसला पारदर्शित हो वो करना चाहिए। और उपराज्यपाल से यही उम्मीद है कि इस कसौटी पर वो खरे उतरेंगे और जो भी फैसला करेंगे वो बगैर किसी दबाव के हेठ आए करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को
सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है जबकि ये मालूम है कि उनके पास नंबर नहीं है, तो यकीनन पूरा देश ये शुभा करेगा कि केंद्रीय सरकार एलजी पर दबाव डालकर बीजेपी की सरकार बना रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार पर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाल दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी या क्या दिल्ली में बीजेपी के नेता पीएम की राय की अनदेखी कर पाएंगे। स्वदेशी न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो ठंडे बस्ते में यहां पर सरकार दिल्ली की डाल दी गई है, यानी कि जो अब तक कदम उठाने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी की तरफ से वो तमाम चीजें पीछे कर दी गई हैं। सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी ने आखिर ये ब्रेक क्यों लगाया है। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। दिनेश सिंह बीजेपी की तरफ से, दुर्गेश उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। आम आदमी की पार्टी की तरफ से संदीप दुबे साहब कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। दिनेश सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सीधा सा सवाल, क्या आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा था क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी ने ब्रेक लगाया? सुमित जी, जो सरकार बनाने का काम है वो इस समय सारी गेंद जो है वो गवर्नर के पाले में है और गवर्नर साहब ने एक पत्र लिखा हुआ है जो सार्वजनिक हुआ है कि राष्ट्रपति से उन्होंने वो ठीक है अनुमति मांगी है। नहीं, उससे बहुत इतने सवाल ये आता है। नहीं, सीधा सवाल एक, मतलब जो मैं एक लाइन में स्पष्ट चाहता हूं आपसे, आप उस पर बता सकिए, क्या नरेंद्र मोदी ने आपके नेताओं को या ऐसी भी कोई टिप्पणी दी है या ऐसा कोई सजेशन दिया है कि दिल्ली में सरकार नहीं बनानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। अभी सरकार बनाने का कोई सवाल, हमको एक चीज बताइए, जब तक आपको बुलाया नहीं जाएगा सरकार बनाने के लिए आप कैसे अपना दावा पेश करेंगे? पहले आपको सरकार बनाने के लिए राज्यपाल की तरफ से आमंत्रण मिलेगा, तभी तो आप आगे कदम बढ़ाएंगे। अभी राज्यपाल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास या अध्यक्ष के पास जो प्रक्रिया है उसके तहत कोई आमंत्रण मिला ही नहीं है, फिर सरकार बनाने या न बनाने का सवाल कहां होता है? अगर कोई आमंत्रण आता है तो निश्चित तौर पर लगातार बातें सियासी गलियारे में चल रही हैं, जिसके तहत यह भी है कि राज्यपाल साहब ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को जिसमें कहा गया है कि बीजेपी को आमंत्रित किया जाए, वो एक तमाम चीजें जो हैं उनके उन चीजों को कहीं ना कहीं कंसिडर तो किया जा रहा होगा। क्या सिर्फ एक फॉर्मैलिटी के तौर पर इंतजार थोड़ी किया जा सकता है कि जब तक वहां से कोई चिट्ठी नहीं आएगी या कोई न्योता नहीं आएगा तब हम उस पर बैठेंगे, हम सोचेंगे? वो तो एक वो नहीं है। अगर कहीं ना कहीं जहन में तो ये सवाल है, अगर ऐसा होता है तो क्या नहीं, अगर आएगा नहीं है? मैं कह रहा हूं सुमित जी ना, अगर आमंत्रण आता है राज्यपाल की तरफ से तो निश्चित तौर पर पार्टी उस पर विचार करेगी। नरेंद्र मोदी का खुश नहीं है अगर दिल्ली सरकार यहां पर बनाई जाती है? सरकार स्टेट की सरकार बनना है, प्रधानमंत्री के है, वही हम कह रहे हैं ना, जब कोई आमंत्रण आता है। देखिए, यही अंतर है, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है। अगर कोई आमंत्रण इस तरह से राज्यपाल महोदय की तरफ से आता है भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में विचार विमर्श करेंगे और जो निश्चित उचित होगा वो निर्णय सबके सामने होगा, आपके सामने होगा और दिल्ली की जनता के सामने होगा। नहीं, सवाल यही है कि बार बार जिस चीज को आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है, कुछ देर बाद जो संदीप दुबे साहब हमें ज्वाइन करेंगे उनसे मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा, बार बार सवाल सिर्फ यही है कि बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी की तरफ से अपने पत्ते साफ नहीं किए जा रहे हैं। आप लोग बार बार कहते हैं कि गेंद उपराज्यपाल के पाले में है, वो जब तक कोई निर्णय नहीं लेते हैं तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। वो आपकी बात सही है, संवैधानिक तौर पर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को निभाया जाना चाहिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उस पर तब तक विचार नहीं कर सकते। नहीं, क्या विचार तो चल रहा होगा ना पार्टी में, कहीं ना कहीं मंत्रणा तो चलती है ना। दो चीजें हैं, जब तक कोई कहीं पर, मान लीजिए आपकी कहीं, आप खुद कहीं आवेदन देते हैं, अगर कहीं कोई वैकेंसी नहीं है तो आप आवेदन कैसे देंगे? निश्चित वहां तो वैकेंसी है ना, दोनों फुल टाइम वैकेंसी है। दोनों चीजें हैं सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति की तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के पास यदि सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव आएगा तो सरकार बनाने पर विचार करेगी। अगर आज की तारीख में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। नहीं, अगर दिनेश जी, क्या ये माना जाए कि बीजेपी के सामने एक बार फिर से वही मानदंड आकर खड़े हो गए हैं जो जब दिल्ली के चुनाव हुए थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी और बीजेपी उन उच्च मानदंडों को निभाने के लिए मजबूर हुई थी, क्या उन्हीं मानदंडों को मान लिया जाए? जब आप लोगों के पास 32 विधायक थे और आप लोग अपना बहुमत साबित इसलिए नहीं करना चाहते थे कि अगर हम लोगों ने ऐसा किया
या खरीद फरोख्त या फिर होस्ट ट्रेडिंग वगैरह हुई या इस तरीके से जोड़ तोड़ से सरकार बनाई गई, तो उसका खामियाजा आपको लोकसभा चुनाव में भरना पड़ेगा? नहीं सुमित जी, देखिए उस तरह उस समय की जो स्थिति थी यही थी ना, कि एक प्रस्ताव आया उस पर पार्टी ने निर्णय किया कि सरकार नहीं बनानी है, मेजोरिटी हमारे पास नहीं है। उस समय जो है पार्टी ने निर्णय किया था। नहीं, अगर एक मिनट सुमित जी, आज अगर कोई प्रस्ताव आएगा इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्थिति पर, तो वर्तमान स्थिति पर अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो निश्चित तौर पर आज के परिप्रेक्ष्य में पार्टी विचार करेगी सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है। इसमें कौन सी बड़ी नहीं, दो दो परिस्थितियां जिनको मैं एक जगह जोड़कर देख रहा हूं। एक वक्त है जिस वक्त तीन चार राज्यों के यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी बीजेपी के पास कहीं ना कहीं पशुपेश की स्थिति है। क्या ठीक यही स्थिति दिसंबर में भी थी कि इसीलिए उस वक्त सरकार नहीं बनाई गई कि लोगों के पास मैसेज क्या जाने वाला है? क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर, क्योंकि मेट्रो सिटीज के अंदर कहीं ना कहीं आते हैं, मुंबई में कुछ पकड़ आम आदमी पार्टी की जरूर कही जाती है। मेरे साथ संदीप दुबे साहब आम आदमी पार्टी से भी जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप ही के पास रहना चाहता हूं दिनेश साहब, कि क्या वैसी परिस्थिति आप लोग आकलन कर रहे हैं और जो परिस्थितियां उस वक्त मजबूर कर रही थी वो आज फिर मजबूर कर रही हैं कि हरियाणा में और साथ ही साथ महाराष्ट्र में वो परिस्थितियां ना बने, एक नेगेटिव इंपैक्ट ना जाए? नहीं नहीं देखिए, ये परिस्थिति उस समय भी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के साथ और आज भी ये परिस्थिति नहीं है। उस समय भी चुनाव कहीं ना कहीं तो सुमित जी होते रहते हैं देश भर में, ये तो भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आज किसी राज्य में चुनाव है तो कल को किसी राज्य में चुनाव होंगे, बात ये नहीं थी। बात ये थी कि उस समय आप पार्टी नई नई, उनको कुछ संख्या में विधायक मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा विधायक उस समय भी थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि भाई बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, इनको एक बार सरकार बना लेने दीजिए और इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इन्होंने कहा था, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इन्होंने खुद कहा था कि ना तो हम भाई किसी को समर्थन देंगे और ना समर्थन लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसको किया, लेकिन आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की झोली में सरकार डाली दिल्ली की नहीं। हाँ बिल्कुल, उनको मौका दिया गया और 49 दिन में भाग खड़े हुए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, जो भी होगा, अगर आज चुनाव की घोषणा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर आज सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव आएगा तो पार्टी उस पर विचार करेगी। हम कोई पहली बार चुनाव लड़ने थोड़ी जी जा रहे हैं, आप पार्टी के साथ हो सकता है पहली बार दूसरी बार चुनाव में जा रहे हैं, ठीक है? हम लोग तो बहुत दिन से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी किस तरफ से यहां पर चुनाव लड़ने की बात जो है वो कहा जा रहा है कि हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं, उपराज्यपाल साहब हमें अगर न्योता देते हैं तो हम सोचेंगे भी, लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं उसके अनुसार नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया है। दिनेश जी, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने इनकार किया है, अब पता नहीं। ठीक है संदीप जी, आप लोग निकालते हैं, नहीं आप लोग खुश है? अरे बकायदा खबरों में चल रहा है, चलिए ठीक है। संदीप जी क्या लगता है आप लोग, आप खुश हैं? देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे बीजेपी के मित्र साथी जो बातें कह रहे थे, भाजपा इस समय हवा में तीर चला रही है, भाजपा चारों तरह से फंसी हुई है, वो बेईमानी कर रही है, बेईमानी से सरकार बनाना चाहती है लेकिन उसे ईमानदारी दिखाना पड़ रहा है। 7 साल से एमसीडी में दिल्ली में सरकार है, आप चले जाइए जहां गड्ढे हैं, बारिश हुई है, तालाब बन गए। मैं बता रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। नहीं बना रहे हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिए। साहब सुनिए तो इनकी बात सुनिए। इनका दर्द सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस भाजपा के लोग कैसे निपटाएं, क्योंकि इनके गले में हड्डी जैसे नहीं होती कुत्ते गले में आ जाती है, वैसे इन लोगों के गले में हड्डी घुस गया, क्योंकि ये नए लोग हैं, नए तरीके से राजनीति चाहते हैं, इनको पारदर्शिता चाहिए। अगर आगे कुआ पीछे खाए वाली परिस्थितियां बन रही हैं तो क्यों बन रही, कैसे बन रही है? उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं बता रहा हूं, उसकी पूरी जिम्मेदार भाजपा और कांग्रेस है आज की डेट में। ये दोनों पार्टियां किसी नए पार्टी को, नए विकल्प को पनपने नहीं देना चाहती, ये परंपरागत राजनीति करती है। और परंपरागत राजनीति ये है कि सिर्फ सत्ता कैसे इनके प्राकीण हासिल हो, उनका एक ध्येय है कि कुर्सी मिले, सत्ता मिले। सीधा सा सवाल है, क्या अगर जो आरोप लगाया जा रहा है उपराज्यपाल जो हैं, आप लोग बार बार उनके उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इनके दबाव में काम कर रहे हैं, सवाल यह है कि कांग्रेस के वक्त में भी यही उपराज्यपाल थे और उस वक्त आप लोगों को मौका दिया गया था, आप लोगों के तमाम विकल्प खुले हुए थे, आप लोगों के पास जिस वक्त आपने ये दावा पेश किया था कि आप सरकार बनाने वाले हैं, आप लोगों के पास कहां थे पूरे विधायक? कांग्रेस की चिट्ठी पहुंची, आप लोगों ने दावा कर दिया, उसके बाद आपकी सरकार बन गई, उनके पास भी तो कोई ऐसी स्पष्टता नहीं थी। ये सवाल तो इस बार बीजेपी के पास है, उनके पास भी तो विकल्प होना चाहिए। नहीं, आप एलजी की चिट्ठी, एलजी महोदय की चिट्ठी पढ़ी है जो राष्ट्रपति जी को, मैंने पढ़ी है वो चिट्ठी जो उन्होंने भेजी, उस पर भी मैं आ जाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि इनके पास कुछ निर्दलीय विधायक और कुछ और पार्टी के विधायक जो है संपर्क में, इस लायक है कि सरकार बना सकते हैं। दूसरी बात, हमारी जो कोई जिक्र नहीं हुआ है, मैं उसकी चिट्ठी की मेरे पास कॉपी है, बड़ा दल होने चिट्ठी की मैं भी कॉपी है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, चिट्ठी ले आई जाए, मैं अभी आपके सामने
सामने पढ़वा देता हूं। हाँ। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या हम बता रहे हैं, हम नहीं चाहते कि भ्रष्ट आचरण से बीजेपी सरकार बनाए और ना हम उसको बनाने देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, सेम इसी प्रोसीजर से माननीय गवर्नर जी ने वहां चुनाव कराए थे, वहां पे करप्ट लोग, भ्रष्ट लोग, माफिया लोग मंत्री बने थे। सेम यही दोहराई गई येदुरप्पा कर्नाटक के अंदर। जो परिस्थिति आज दिल्ली में है, वैसे ही माननीय गवर्नर जी ने वहां पे सरकार बनवाने की पूर्व में कोशिश है। तो पूर्व की चीजों से हमें सीखना चाहिए। क्या दिल्ली को भ्रष्टाचारियों और माफियाओं का अड्डा बनाना है, जो स्वच्छ दिल्ली है, जो आज एमसीडी में करप्शन है? क्या दिल्ली सरकार फिर वैसे ही बनकर और पूरे दिल्ली में करप्शन को बढ़ावा देगी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसकी लड़ाई है। दूसरी बात, इस दिल्ली के अंदर जो संविधान की बार बार रक्षा की बात हो रही है और भाजपा जो है संविधान की दुहाई दे दे के पानी पी रही है, कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के विधायक है, वो कांग्रेस पार्टी आज बीजेपी को समर्थन नहीं दे पा रही। आम आदमी पार्टी क्या नहीं रह सरकार बने, तो बताइए, ये बताए ना भाजपा के लोग, ये बताए मित्र, इनके पास वो फॉर्मूला कौन सा है? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कौन सी जादू की छड़ी भाजपा के लोगों के पास आई है कि वो हर जगह सरकार बना लेंगे? ठीक है, अल्पमत अल्पमत में रहते हुए विधायक नहीं और सरकार बना लेंगे? विकल्प क्या है अगर इस तरीके की परिस्थितियां फंस रही हैं? आम आदमी पार्टी एक तरफ आरोप लगा रही है बीजेपी के पास, बीजेपी कहीं ना कहीं विकल्प है, चुनाव नजर आ रही, जनता तय कर ले। जो बिजली नहीं दे पाई, जो पानी मुहैया नहीं दिल्ली को करा पाई, वो जनता तय करे कि उसे कैसी सरकार चाहिए। वो वोट नए लोग जो आम आदमी तय करे। यहां असल में दिक्कत यही है इस समय। आप जाइए हमारे साथी के पास, लेकिन दुर्गेश जी के पास आपने कहा है, लेकिन एक मिनट के लिए आप संदीप जी, बात कितनी अच्छी अच्छी आप पार्टी के लोग करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। अभी आप संविधान, चलिए काम नहीं करते। संदीप जी मैं सुन रहा, सुनिए आप, नहीं आप, मैं सुन रहा था, तो करते नहीं है ना, तो इसीलिए पहली बार दिल्ली के लोगों को पता चला कि विधायक के पास, हम आप बोलेंगे तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। संदीप जी, हर जगह आपके स्टेट में संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, जरा विवेक का स्तर आप बना के रखिए। नहीं, हम लोग स्तर बना हुए हैं, आप स्तर बना रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं, बार बार जो एलिगेशन आप लगाएंगे, कितना पानी पीसी के बोलेंगे आप? यही मैं कह रहा हूं, कम से कम बोलने का सलीका सीखिए। मैं शांत बैठा बोल, मैं बहुत सलीके से बैठा, शांत रहिए, सुन लीजिए ना, ठीक है? एक एक करके सुन लेते हैं, अपनी अपनी बात सुन लेते हैं। ये डिबेट का तरीका नहीं, आप शांत बैठे, सुन लीजिए फिर उत्तर दीजिए, ठीक है? दिनेश बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जिस संविधान की आप दुहाई, हम यही कह रहे हैं कि बात आप बहुत अच्छी करते हैं लेकिन काम आप नहीं करते हैं। आप संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जब आपके पार्टी के लोग संविधान तोड़ रहे थे, आपके मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री होते हुए धारा 144 लगने के बावजूद उन्होंने धरना दिया, तब संविधान की बात नहीं हुई? जब हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है आप उस पर अंगुली उठाते हैं तो संविधान की बात नहीं होती है? जब राज्यपाल एक पत्र लिखते हैं राष्ट्रपति को तो पत्र कैसे लिखेंगे? अब आप पार्टी के नेताओं से पूछें कि उसकी लाइन क्या होगी, क्योंकि उन्होंने जो लिख दिया कि शुक्रगुजार होंगे, अभी यही आप आपत्ति उठाएंगे संदीप, मुझे पता है, तब आप उनकी लाइन, अब आपसे पूछ के कोई पत्र लिखे कि भैया मैं क्या पत्र लिखूं? सिर्फ दिक्कत यही है हम, आप दूसरी बात नहीं। आपने लोगों को, संदीप जी आपकी पार्टी ने सच बात दिखाया, आपको मौका मिला, आपने कहा कि हम ना समर्थन लेंगे ना, किसने कहा था संदीप जी, एक आपसे निवेदन है, किसने कहा था केजरीवाल साहब अपने बच्चों की कसम का, किसने कहा था? आप लेते समर्थन, किसको दिक्कत है? आपने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने कोई आपत्ति मान लीजिए, अभी कुछ नहीं है सुमित जी। अगर आप कह रहे हैं कि हमारा कोई विधायक बिकने नहीं जा रहा है, कांग्रेस के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई विधायक बिकने नहीं जा रहा है, तो सबसे बड़ी पार्टी एक मिनट के लिए जो हमको नहीं अभी दिख रही है, मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करते हैं, आपके विधायक टूट नहीं रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट नहीं रहे हैं, तो भाजपा का मोहम्मद सिद्ध नहीं होगा आपके हिसाब से? तो आप थोड़ा शांति से बैठे रहिए, दूध पानी का पानी हो जाएगा। संदीप जी आपके पास भी आऊंगा, आपको मौका भी दूंगा, लेकिन मैं यहां पर दुर्गेश जी से पूछना चाहता हूं, यहां पर जो न्योता दिया जा रहा है उपराज्यपाल की भूमिका पर सवाल भी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उठाए गए हैं, बार बार कहा गया है कि उपराज्यपाल जो बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, आखिर ये जो न्योता देने की बात सामने आई है ये क्यों दिया जा रहा है? देखिए मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम दोनों लोगों को सुन रहे थे, यही कश्मकश है, क्योंकि देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन चुकी है, कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी ये चाहती है कि जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है, और अभी दिल्ली में जिस तरह से मामला लटका हुआ है, लेकिन आज का थोड़ा सा डेवलपमेंट पे अगर हम लोग निगाह डालें तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी
जाहिर सी बात है कि उसके पास जो है नंबर्स नहीं है। अब नंबर्स लाने के लिए अब इधर आम आदमी पार्टी ने उस पर जिस तरह से आरोप और छींटाकशी शुरू कर दिया है और यहां तक कि अब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर पे भी जो आरोप जो मढ़े जा रहे हैं कहीं ना कहीं प्रेशर में है, तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी को थोड़ा सा यहां पर एक सेफ पैसेज लेकर के अब जो है आलाकमान को शायद ये लग रहा है कि अभी इसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में रखते हैं और महाराष्ट्र और बाकी जो विधानसभा चुनाव है उनमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी जो है इस पर नजर बनाए हुए है, पार्टी की जो यहाँ की राज्य इकाई है वो लगातार इस पे अपने एक रस्साकसी जो है आम आदमी पार्टी के साथ किए हुए है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर ये माजरा पहुंचता कहाँ है। बिल्कुल, सवाल यही है कि जी मतलब अगर पूरा ओवरऑल बात की जाए तो सवाल है दिल्ली की सरकार का। दिनेश साहब, मैंने जो बात कही अभी कुछ देर पहले कि आप लोग महाराष्ट्र और हरियाणा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं दिल्ली को, इसलिए सोच रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा वक्त यहाँ पर खींचा जा सके, उसके बाद वक्त मिले और उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो जाए। नहीं, हम लोग कोई वक्त नहीं खींचना चाह रहे हैं। हम तो आज कह रहे हैं ना कि आज अगर दिल्ली में चुनाव की घोषणा होती है तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं से, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो हर चुनाव को लड़ती है, हम चुनाव से भागने वाले लोग नहीं हैं, हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी कह रहे हैं, आपके चैनल पे कह रहे हैं, नेशनल चैनल पे कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। और दूसरी बात भी कह रहे हैं कि अगर राज्यपाल की तरफ से कोई आमंत्रण आता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करने के लिए तैयार है। हम दोनों चीजें कह रहे हैं, हम कोई लुका छिपी का खेल नहीं खेल रहे हैं। और हम परिस्थिति जो है ठीक है, ये परिस्थिति जो है ये काफी असमंजस वाली है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हम चुनाव चाहते हैं, कांग्रेस पहले से ही अपनी तरफ से साफ कर चुकी है, शायद उनसे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं कर सकता। और तीसरी बात है बीजेपी की, जिसमें बार बार यह दावा किया जाता है कि हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं लेकिन हम विचार करेंगे, हमारे विकल्प खुले कौन सी है, इसे कैसे डिफाइन किया जाए। दुर्गेश साहब, अब देखिए मुझे लगता है कि सुमित दो तीन बातें हैं जिनको कि बिल्कुल यहाँ पे इस डिबेट में हम लोगों को बात करनी चाहिए। ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। सरकार बिल्कुल वो बनाना चाहती है, आम आदमी पार्टी 49 दिन की सरकार चला करके देख चुकी है और बार बार जो है अरविंद केजरीवाल भी अब इस बात को मान रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा वो ठीक नहीं था, जनता में कहीं ना कहीं एक निगेटिव मैसेज गया। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स नहीं है। अब जो है एलजी के चिट्ठी लिखने के बाद जो ये पूरी राजनीति गरमाई हुई है, आम आदमी पार्टी जो है अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी के ऊपर, खासकर ये जो स्टिंग ऑपरेशन हो गया, अभी इसकी व्यवस्था तो जो है वो एक अलग विषय है कि क्या है उसमें सच्चाई कितनी। हालांकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो पूरी तरह से सही है और उसने आज एलजी को भी दिया है कि वो उसको देखें और अगर उनसे वो संतुष्ट नहीं हुई तो वो राष्ट्रपति के पास भी वो सीडी की कॉपी भेजेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आलाकमान है, जो आज जो डेवलपमेंट हुआ है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा उस पर नजर डालें तो मुझे लगता है कि सरकार को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे विधानसभा के जो चुनाव है जो कि उतने ही महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा उन पर फोकस किया जाए। और इधर क्योंकि अब राज्यपाल जो एलजी ने चिट्ठी लिखी है, अब उधर से राष्ट्रपति जो है कानूनी सलाह ले रहे हैं और उस पर से क्या आता है, अगर सरकार बनाने का आमंत्रण आता है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना आगे जरूर जो, हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी की जो टिप्पणी उसे भी हम कोर्ट दोबारा कर देते हैं, हालांकि दिनेश जी से इनकार कर रहे हैं लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस चीज से खुश नहीं है। तीन नेताओं के हमने इसमें नाम भी बोले हैं, जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी जिसमें कहा गया था कि नितिन गडकरी, प्रभात झा और सतीश उपाध्याय पर यह फैसला छोड़ा गया है कि दिल्ली में सरकार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए बीजेपी की तरफ से। लेकिन संदीप दुबे साहब, आप लोग बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ से सरकार बनाने वाली है, मैंडेट कहां से आएगा, उनके पास नंबर नहीं है। जिस वक्त उपराज्यपाल साहब की आपको चिट्ठी मिली थी, आप लोगों के पास मैंडेट था नहीं उसकी, हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना? मैं बता रहा हूं वो, हाँ। संविधान की बात मैं बता रहा हूं, हाँ। कांग्रेस ने, हाँ। हम लोग मांगने नहीं गए थे समर्थन, हाँ। जो मुद्दे हमने सत्र रखी थी कांग्रेस पहले ही हमारे मांगने से पहले बात गवर्नर साहब को चिट्ठी दे आई थी। जब तो इस वजह से गवर्नर साहब ने जब हमें बुलाया तो उन्हें लगा कि मैंडेट है इसको, देखिए वो परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट है, ये परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है। दोनों को एक तरह से जोड़ के अगर हम संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखें, आम आदमी पार्टी के पास मैंडेट है और उनके पास एक चिट्ठी पहुंची कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी पहले पहुंच गई, उनके पास पहले पहुंची आम आदमी पार्टी समर्थन, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से, जो आप लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से कोई समर्थन नहीं मांगा और उसके बाद आप लोगों ने अपना जो है उपराज्यपाल साहब को बता दिया कि आप लोग सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, उसके बाद आपकी सरकार बनी लेकिन मैंडेट तो आप लोगों के पास नहीं था। क्या बीजेपी उस चिट्ठी का इंतजार नहीं कर सकती? आप लोग भी तो उन्हें मौका दीजिए कि आप लोग भी चिट्ठी का इंतजार कीजिए, क्या पता उन्हें भी एक चिट्ठी मिल जाए ऐसे।
साहब यही तो बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। कांग्रेस के पास जो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के पास विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के पास विधायक हैं, जब दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि सरकार बने तो भाजपा के पास कहां से आ जाएगा विधायक और कैसे आएगा, यानी जोड़ तोड़ करेंगे, गलत काम करेंगे, करप्ट प्रैक्टिस होगी, तो हमारी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैंने भ्रष्टाचार वो तो प्रमाणिकता आ जाएगी ना, ये ईमानदार है, प्रमाणिकता मिलेगी आपको, ये लड़े हैं देश देश में मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बार बार दावा कर रहे हैं, तो हम तो इन्हें भ्रष्ट बनने नहीं देंगे। तो लड़ाई यही है कि दिल्ली को भ्रष्ट सरकार नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, जिस चीज का आप दावा कर रहे हैं, जिसकी प्रमाणिकता भी स्टिंग के जरिए प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, क्या आप लोगों को एक प्रमाणिकता नहीं मिल जाएगी? अगर बीजेपी को न्योता मिलता है, उसके बाद वो सरकार बनाती है, हॉर्स ट्रेडिंग जिसका बार बार जोर दिया जा रहा है, अगर बीजेपी ऐसा कुछ करती है तो जाहिर आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं, आप एक बात बताइए, तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे आज पूछता हूं या बीजेपी के लोगों से पूछता हूं, जो दिल्ली की आज स्थिति है, आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी को भगोड़ा कहते हैं, भगोड़े तो आप हो गए, जो चुनाव से आप भाग रहे हैं। दूसरी बात, आज ना बीजेपी के पास कोई अरविंद के कद का नेता है, सुन लीजिए, बीजेपी के पास आज सच्चाई यही है कि अरविंद के कद का नेता ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है दिल्ली के अंदर, इसलिए ये दोनों पार्टियां किसी तरह चाहती हैं और दोनों पार्टियों का एक मकसद है कैसे आम आदमी पार्टी का सफाया कर दिया जाए। आपको याद होगा जब 49 दिन की हमारी सरकार, जब हमने हमने कहा था कि हम नहीं कर पा रहे हैं, जब हम नहीं ला पा रहे हैं, लोगों को लोकपाल नहीं जन लोकपाल दे पा रहे हैं, हमने सरकार छोड़ दी थी, तो हमने जब इनसे वही बात मैं बार बार कह रहा हूं और फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस के लोग, उस समय कांग्रेस के लोग निकल के आए थे कि हमने आम आदमी पार्टी को निपटा दिया, निपटाना का मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो ये दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से इतनी इनको पीड़ा है, क्यों? क्योंकि नए लोग हैं राजनीति में, हो सकता है थोड़े अपरिपक्व हो हम लोग, इनके जैसा राजनीति हमें नहीं आता हो, इनके तरह हम झूठ को सही और सही को झूठ नहीं बना पाते हो, फरे भी नहीं हो, हो सकता है इतना ज्यादा फरेब ना आता हो, इतना ज्यादा हमारे पास छड़ी जादू की नहीं आ गई, केंद्र में इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में विकास नहीं हो पा रहा, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल पा रहा लोगों के पास, आज ये तमाम बातें क्या स्थिति आपको पता है, लेकिन ये आप काम करिए, तो आप तो काम नहीं कर रहे हैं, आप बार बार इल्जाम लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले पे इल्जाम लगा के, और आप अपने को शरीफ मुद्दे पर वापस आते हैं, मुद्दे पर वापस आते हैं, लेकिन यहाँ सफाई की जो बात हो रही है, वो तमाम पार्टियां जो विरोधी हैं उनका कहीं ना कहीं ये मैंडेट रहता है कि अगली पार्टी को खत्म कर दिया जाए राजनीतिक स्तर से, वैसे कोई यहाँ पर खून खराबे की बात नहीं हो रही है। दिनेश जी क्या कहना? नहीं, निश्चित तौर पर जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तो मैं भी यहीं से स्टार्ट करने वाला था कि देखिए दो चीजें हैं, आप पार्टी हो, पता नहीं हमारे मित्र कितना स्वीकार करेंगे, चाहे आप पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो देश में, वो काम ही इसीलिए करती है कि वो सरकार बनाए, हर पार्टी काम करती है कि उनकी सरकार बननी चाहिए, और संदीप जी ये पहली बार नहीं होने जा रहा है कि अल्पमत की कोई सरकार बनने जा रही है भारतीय राजनीति के इतिहास में, नंबर एक चीज, और दूसरी चीज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूं कि हम समाज निर्माण के साथ सरकार निर्माण करना चाहते हैं, और उस सरकार निर्माण के साथ हम राष्ट्र का भी निर्माण करना चाहते हैं, और राष्ट्र का निर्माण हम कर रहे हैं, उसकी चिंता आप ना कीजिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सफाया मतलब हो जाए, हमने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, कर दिया, और जिसकी बात आप कह रहे हैं, आप अपने चर्चा के प्रारंभिक चरण में आपने कहा था कि हम सरकार उस परिप्रेक्ष्य में बनाए कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन पहले दिया था राजपाल को, यही आपका था, कांग्रेस ने बात कही थी बीजेपी ने, इसलिए कर दिया, ठीक है सुमित जी, नहीं नहीं उन्होंने इसलिए दे दिया कि देखिए इन लोगों के पर्दे के पीछे हमेशा, क्योंकि कांग्रेस और आप पार्टी को आप अलग करके कैसे दे सकते हैं, हम आज भी कह रहे हैं, पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि आप बी टाइम है, आपके नेता आप कह रहे हैं केजरीवाल के कद का कोई नेता नहीं, उनके कद का पता इस चुनाव में चल गया ही नहीं, चलिए ठीक है, अभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि वास्तव में क्या दिल्ली को सरकार इसी तरीके से मिलने वाली है, बीजेपी भी क्या अब अपने कदम पीछे खींच लेगी, और साथ साथ एक सवाल ये भी कि कुमार विश्वास जो आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता है, वो क्यों मोदी के मुरीद हुए जा रहे हैं? एक ब्रेक लेने, तुरंत लौटते हैं। एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रस्साकसी चल रही है दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर, और दूसरी तरफ है मोदी प्रेम। जी हां, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, दावर ही कहिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो कुमार विश्वास का, लेकिन उनकी तरफ से बार बार इस तरीके के बयान आ जाते हैं जिससे झलकने लगता है कुमार विश्वास का मोदी प्रेम। आखिर इसका माजरा क्या है कि नरेंद्र मोदी के लिए बार बार कुमार विश्वास का प्रेम उभरकर सामने आ जाता है, और क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी के अंदर कुमार विश्वास को लेकर कुछ पक रहा है? इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या वास्तविक माजरा क्या है। आपके बड़बोले विश्वास क्यों हुए मोदी के मुरीद, क्यों करते हैं आपसे बगावत?
आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ पार्टी के सीनियर नेता कुमार विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पार्टी से बगावत पर आमादा है। आपके सीनियर नेता कुमार विश्वास ने अंग्रेजी समाचार चैनल टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सूरत में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसमें कविता पाठ करेंगे। कुमार विश्वास ने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी उन्हें इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोकेगी तो वो पार्टी छोड़ देंगे। कुमार विश्वास ने कहा कि मेरी कविता में कोई पार्टी या सरकार नहीं आ सकती, लेकिन अब कुमार विश्वास ने अपने सुर बदल लिए हैं और कहा है कि अगर मुझे नहीं बुलाया गया तो नहीं जाएंगे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अरे मुझे बुलाया गया था, उन्होंने मना कर दिया, मुझे तो जहाँ जो कार्यक्रम कवि सम्मेलन होगा तो जाऊंगा, अब वो नहीं बुला रहे तो नहीं जा रहा हूँ। पहले कहा था उन्होंने बुला रहे हैं जी हम आपको, तो हमने कह दिया था। कवि सम्मेलन में आने और बुलाने की सच्चाई तो बेहतर विश्वास और आयोजक ही बता सकते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि यही कुमार विश्वास इन दिनों लगातार किसी न किसी बहाने अपनी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। भले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तनातनी हो, लेकिन कुमार विश्वास इस वक्त नरेंद्र मोदी के फैन नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है कि उन्हें न्योता नहीं मिला, मिला होता तो वो जाते। मैं इसे कोट करना चाहूंगा, मिला होता तो वो जाते। संदीप साहब, न्योता मिलता तो कुमार विश्वास जाते, पहले भी तारीफें की हैं उन्होंने, लेकिन उस वक्त वो राजनीति में नहीं थे, ये आपकी तरफ से स्पष्टीकरण आएगा। लेकिन उस वक्त की परिस्थितियों से अब की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। क्या आम आदमी पार्टी कुमार विश्वास के बीच में कुछ पक रहा है? ठीक है, मैं आप एक बात बताऊं, आप डॉक्टर हैं, क्या डॉक्टर किसी का जाति धर्म और पार्टी देख के उसका इलाज करता है? एक लॉयर क्या जाति धर्म और पार्टी देख के केस लड़ता है? कुमार विश्वास एक कवि हैं, राष्ट्र हित में कविताएं कहते हैं, देश के नौजवान उनके फॉलोअर है, तो उनकी कविता कहना वो क्या पार्टी और देश धर्म देख के करेंगे? दूसरी बात रही बात मोदी जी सिर्फ हमारे और भाजपा वाले लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो 125 करोड़ बीजेपी का कोई वकील कोई केस आता तो आप लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, एज ए लॉयर एज माई प्रोफेशन, हम प्रोफेशनल, एक इथिक्स होती है, उसमें तो कोई जात धर्म और बंधन नहीं होता। और मैं बताऊं, उन्होंने जो बातें कही तोड़ मरोड़ के केस आता है या कोई ऐसा केस जिसे लेकर अब तक आप बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं, तो आप चुनाव उनके खिलाफ जो है केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? मित्र मैं बात बताऊं, जो बातें हैं उसको बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है भाजपा कांग्रेस के लोगों के द्वारा, उसके पीछे रीजन ये है। मैं आज आपको बता दूं, जैसे शरीर से आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही अरविंद को कुमार विश्वास से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही मनीष सिसोदिया को अरविंद से अलग नहीं किया जा सकता। ये आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, ये बंद मुट्ठी है और उन्हें भी पता है कि जब हम बंद हैं तो हम ताकतवर हैं। और बार बार जो इस तरह की भटकाव की, अच्छा दूसरे पार्टियों में बताइए, किसी पार्टी में अगर आज कुमार विश्वास के सामने आ जाते, इतनी ज्यादा लोकतंत्र है क्या? ये काम कोई भाजपा का व्यक्ति कर सकता है? आप पर सवाल कहां उठाए, मनीष सिसोदिया पर सवाल कहां उठाए, कुमार विश्वास बार बार सामने आ जाते हैं, प्रोफेशनल के बारे में हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अब तो राजनीतिक पार्टियां हैं। उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा और जो बातें कही, किस परिप्रेक्ष्य में कहा उन्होंने, जब इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू में जब हम आप एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, दिल से खुल के बातें कर रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में कोई छल प्रपंच नहीं है, आप उसको बढ़ा चढ़ा के और गलत अर्थ में ले जाओ कि कैसे आम आदमी पार्टी में फूट पड़ जाए, तो ये तो गलत है, गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मैं आज बता दूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर कुमार भाई को जानता हूं और मैं बता दूं कि उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। जो अमेठी के अंदर जो लड़ाई है वो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे, उल्टे कांग्रेसी मार भी रहे थे हमारे कार्यकर्ताओं को, थप्पड़ भी मार रहे थे और उन्हें गालियां भी दे रहे थे, वो सब कुछ सुन के उसके बाद सुनिए, सैकड़ों केस वहां पे कांग्रेस के लोगों ने आज फर्जी तरीके कुमार के ऊपर ला दी थी, उसके बाद भी वो शांतिपूर्ण संघर्ष करता रहा, अपने विचार को जनजन तक ले जाता रहा। नहीं, शाहजहां इल्मी के बारे में वो कहते हैं कि अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ हुई है उनके बारे में बातचीत की जाएगी। शहजादा इल्मी जो है वो एक बहुत ही सही क्या नेता है, उनके बारे में सुना जाना चाहिए। उस वक्त आप लोग नहीं सुनते हैं, उनकी जो पार्टी लाइन है उसे हटकर वो बयान देते हैं, उसके बारे में आप लोग फिर नहीं सोचते हैं। फिर कुमार विश्वास, वो देशभक्ति और वो उनका कद कहां चला जाता है? नहीं, उनका कद है, आज भी है, मैं आज बता रहा हूं, वो जो भी बातें पार्टी फोरम में रखते हैं, मैं निष्पक्ष तरीके से रखते हैं, उनकी यही सबसे अच्छी उनकी विशेषता है। और देखिए, यही पार्टी का लोकतंत्र है कि हम अपनी बातों को अच्छे तरीके से पार्टी फोरम में रखें और पार्टी अच्छी है बुरी है, अच्छा ठीक, हर बातों को हम लोग एक दूसरे से, हमारी आपकी दोस्ती तो तभी चलेगी ना, कुछ कमियां आपने हो, कुछ गुलाम नबी आजाद की तरफ से नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई, दिग्विजय सिंह ने भी उनकी तारीफ कर दी, क्या कुमार विश्वास उसी फहरिस्त में है या उसी लाइन में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुमार भाई देखिए, मैं पहले भी कहा, मोदी
सिर्फ बीजेपी वालों के प्रधानमंत्री नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। वो जब बोलते हैं, अगर कोई दूसरा अट्रैक्ट होता है, अगर अच्छी चीजें हमारा प्रधानमंत्री कर रहा है, तो हमें उसकी क्यों हम आलोचना करें बार बार। लेकिन वो गलत कर रहा है तो हम विपक्ष होने के नाते हमारी आलोचना, अगर उन्होंने अच्छा किया है, आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भी सामने आए कहें कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा किया है, उन चीजों के बारे में आम आदमी पार्टी के लोग, सिर्फ एक नेता अगर ऐसा कहता है तो थोड़ा भाजपा के प्रवक्ता नहीं है ना, जो भाजपा के प्रवक्ता काम कर रहे हैं, कुमार विश्वास भी नहीं है पार्टी के लोगों के, नहीं कुमार विश्वास भी नहीं है, विपक्ष आज नहीं है, सही विपक्ष की भूमिका निभाना है। नहीं नहीं, लेकिन बार बार हम आप हमसे ये उम्मीद करें कि हम सिर्फ आलोचना करते रहे तो हम गांधीवादी तरीके से राजनीति आलोचना ही हो रही है, सिर्फ आलोचने का काम करते हैं, सिर्फ आलोचना ही कहते थे कि अगर सामने वाले के मन में आपके प्रति वैमनस्य हो, बेईमान हो, तो भी आप अपने कर्मों पर आलोचना ही हो रही है। और वो उसमें खासकर कुमार विश्वासी बार बार सामने क्यों आ रहे हैं। और रही उनके यू टर्न की बात, वो तब हुई जब संयोजकों ने खुद इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं आया निमंत्रण तो नहीं जाऊंगा, आता तो जाता, यही कहा। ठीक है ठीक है, उन आज यही तो बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाजपा कांग्रेस जहां भी है जैसी भी है उसका एक ही मंशा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी में फूट डाली जाए, आम आदमी पार्टी को तोड़ी जाए और बताया जाए पूरे दुनिया को कि आम आदमी पार्टी के लोग जो बातें करते हैं इनमें और मेरे में कोई मेरे तरह ही है। ये वापस आऊंगा, एक बार फिर पूछूंगा दिनेश जी, असल में अभी जितनी बातें हमारे मित्र कह रहे थे, संदीप जी आदमी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ गलत पार्टी में फंस गए हैं। ठीक है, अभी ये कह रहे थे कि कुमार, एक सवाल एक जवाब के मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। इन्होंने कहा कुमार विश्वास से बड़ा कोई देश, कुमार विश्वास देशभक्त है, बड़े देशभक्त हैं, लेकिन कुमार विश्वास से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, इस पर मुझे आपत्ति है, नंबर एक चीज। और दूसरी चीज, आपने ये कहा कि वो संस्थापक सदस्यों में वो नहीं जा सकते हैं, साजिया इल्मी कहां से थे, बहुत सारे कितना किनका नाम गिनाओ, दर्जन भर लोग जो संस्थापक सदस्य थे वो आप पार्टी को छोड़कर चले गए, ये बात मत करिए। लेकिन देखिए, जो आप कह के आए थे लोगों के बीच, या जो कह के आपने जिन परिस्थितियों में आपने पार्टी बनाई थी, आप अपने उस मुद्दे से, आप अपने उस एजेंडे से, आपके कथनी और करनी में व्यापक अंतर है संदीप जी। आप कहने के लिए कुछ कहिए, लेकिन इसको दिल्ली की जनता, इसको देश की जनता पूरी तरह से समझ चुके। और जिसकी बात आप कर रहे थे सुमित जी, कि आज दिग्विजय जी भी जो है तारीफ कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद तारीफ कर रहे हैं, कुमार विश्वास तारीफ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपके सारे नेता अभी चैनल से उठने के बाद संदीप दुबे से पूछिएगा, वो भी तारीफ करेंगे, ये बात नहीं है। और सारे लोग छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कभी आप देखिए कांग्रेस में, हरियाणा में जहां सरकार चल रही है, जहां भी चुनाव होने जा रहा है, वहां कैसे लोग शामिल हो रहे हैं। पहले इन लोगों को मोदी जी की कहीं हवा नहीं सुनाई दे रही थी, कहीं आधी नहीं सुनाई दे रही थी, कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, स्वतंत्र सरकार आ गया 14 में, कह सकते हैं अगर उनको ऐसा कुछ लगता है नरेंद्र मोदी की तारीफ वो करना चाहे, बिल्कुल हमें कह रहे हैं जिन्होंने कहा नहीं, जो भी अच्छा काम करें, ठीक है, अगर कोई भी संदीप दुबे, लेकिन आंखों में तो अरविंद में कोई अच्छा ही नहीं, मैंने संदीप दुबे को कहा नहीं, नारी की राजनीति की बात करता हूं, संदीप दुबे को अच्छा कहा कि नहीं कहा, बहस भी बात नहीं है, मैंने हद करने में अंतर है, मैंने संदीप दुबे को अपने व्यक्तित्व का, जो काम आप करते हैं सही कहते हैं, वो सारी चीजें आरोप है आम आदमी पार्टी के, आप गलत लोगों के साथ, यही भाजपा की तो बहुत गलत स्टिंग करते हैं, तो शेर सिंह राणा को आप दोषी सारा देते हैं। एक स्टिंग और होता है इसके पहले, जिसमें साजिया इल्मी को के ऊपर स्टिंग होता है, कुमार विश्वास के ऊपर स्टिंग होता है, उसको आप झुठला देते हैं। ये दोहरा मापदंड हमारा, यही कहने का मतलब, कम से कम नापने का एक, अगर आप किलोमीटर से नाप रहे हैं तो किलोमीटर से नापिए, आप मीटर से नाप रहे हैं तो मीटर से नापिए, एक ही चीज को आप क्यों अपना स्केल चेंज कर रहे हैं। ठीक है दुर्गेश जी, आप इस आकलन कैसे कर रहे हैं, अगर यहां पर कुमार विश्वास इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं तो क्या कुमार विश्वास को अब ये लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी अपना वो जो बैलेंस था जिस पर टिकी हुई थी वो खत्म हो रहा है, अब बीजेपी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, कुमार विश्वास जो है एक कवि हैं, और कवि हृदय होने के नाते जो है वो बार बार जो है पहले भी नरेंद्र मोदी की तारीफ, हाँ वो कविता पाठ करते रहे, नहीं उस वक्त मैंने उसका जिक्र किया कि वो राजनीति में नहीं थे उस वक्त, बिल्कुल बिल्कुल एक अलग चीज, लेकिन अब जो है जाहिर सी बात है कि जो भी इंटरव्यू की क्लिप आप दिखा रहे थे उसमें बातचीत के दौरान उन्होंने बात कही है, और अभी उसके बाद जब उनसे उनकी दोबारा बात जो आपने दिखा है उसमें उन्होंने खंडन कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं देखिए उनको ये समझना होगा, नहीं मिला ना, जी 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 मिल जाता तो पहुंच चले जाते, हाँ मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि अगर उनको बुलाया जाता सूरत में तो वो वहां कविता पाठ करने जरूर जाते, और
नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो तारीफ करते हैं। संदीप दुबे जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बिटवीन द लाइंस मैसेज खोजने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हर आदमी की अपनी एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उस पर जो है बहुत ज्यादा टीका ठीक है। नहीं, यहाँ प्रोफेशनलिज्म की जो बात हो रही है कि उनका एक अपना प्रोफेशनल लाइफ है वो उसमें जी सकते हैं, मैं भी इसे एग्री करता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है कि प्रोफेशनल और एक जो आपका समाज सेवक के तौर पर या नेता के तौर पर या पार्टी के तौर पर एक अलग आपका बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन जो संयोजकों की तरफ से जो सवाल आया है या उनकी तरफ से जो कहा गया उसमें यह था कि कुमार विश्वास ने उन्हें फोन किया कि वो आना चाहते हैं लेकिन उन्होंने नहीं भेजा न्योता। यह प्रोफेशनलिज्म से जोड़कर देखा जा सकता है। अगर आप वकील हैं, खुद थोड़ी जाकर कहेंगे कि नहीं जी नितिन गडकरी जी मैं आपका केस लड़ूंगा। दुबे साहब, सवाल यह है अगर वो फोन कर रहे हैं तो उनके जहन में तो कुछ चल रहा होगा ना। देखिए, वो दो लोगों के बीच की बात है और उस बीच की बात में हम कोई भी एक पक्ष रखें वो मुझे लगता है कि न्याय नहीं होगा, क्योंकि जो आयोजक हैं और कुमार भाई हैं उनके बीच की वार्ता है। उस वार्ता में मैं व्यक्तिगत तौर पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भाजपा के जो मेरे साथी हैं मित्र हैं कह रहे हैं कि उन्हें कुमार विश्वास ने खुद फोन किया, उन्होंने न्योता नहीं भेजा। कुमार विश्वास दोनों तरफ से टिप्पणियां आ गई, दोनों तरफ की हमारे पास क्लियर है। कुमार विश्वास ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं, संयोजक ने कहा कि हम नहीं बुला रहे हैं, लेकिन कुमार विश्वास उनको फोन कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या कहीं ना कहीं जहन में चल रहा था कि नरेंद्र मोदी के सामने जाया जाए और कुछ अपनी इमेज इंक्रीज करी जाए, एक दिक्कत महसूस हो रही है। यहाँ इमेज इंक्रीज और डिक्रीज करने की बात ही नहीं है, यहाँ बात है एक अपनी स्वयं जो हमारी इच्छा होती है, हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है। हम अच्छे एक्टर हैं फिल्म के, तो हमें अच्छी एक्टिंग करनी है, हम अच्छे कवि हैं तो हमें अच्छे मंच पे अपनी कविता पाठ करनी नरेंद्र मोदी के सामने। और नहीं, सामने कोई हो, देखिए व्यक्ति मायने नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी है या आप हो, लेकिन बात तो ये है कि कवि के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो किस मंच पे जाए और अपनी कविता कहे, वो वहां इतना पॉपुलर है उसको लेके वहां प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दे। आपको पता होना चाहिए जहां भी कुमार जी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है सबसे ज्यादा युवा मंत्री का युवा इकट्ठा होता है। ठीक है, वो युवा उनका दीवाना है। हाँ नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर किसी प्रधानमंत्री का इस तरीके कोई प्रोग्राम होता है तो कोई भी कवि जाना चाहेगा, लेकिन आपको लगता है कि कुमार विश्वास को उस पब्लिसिटी की जरूरत है कि वो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेज मुझे मिल जाए और मैं वहां पर जाऊं, मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, लोग मुझे जो है काउंट वो काउंट करेंगे। ये तो कोई तर्क नहीं, इसको समझने की, इसको मैं बता रहा हूं, इसको प्रोफेशनलिज्म की जो आप बात कर रहे हैं जिसकी दुहाई दे रहे हैं, मैं भी उसकी बात को मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, लेकिन सवाल मेरा बार बार यही है कि वो खुद फोन कर रहे हैं। सवाल ये, मैं आपको एक बताऊं, आपकी हमारी मित्रता है, आपकी मित्रता के बस हम यहाँ आते हैं। ठीक है, अब हम आपने हमें फोन किया संदीप भाई आना है ना, मैं रेगुलर आता हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे बुलाएंगे, हमारी आपकी दोस्ती, उसके बीच में आदमी को लगता है कि भाई हमारे आपके इतने अच्छे बंधन है, उस बंधन को हम कैसे तोड़े। वैसे ही वहां के आयोजकों और कुमार के बीच एक बंधन था, बराबर जब से प्रोग्राम वहां हो रहा है कुमार भाई वहां बुलाए जाते थे, कुमार भाई के नाम पे वहां भीड़े भी बहुत इकट्ठा होती थी, तो ये एक प्रथा थी वहां, प्रथा के रूप में चल रहा था। तो जो एक्सपेक्टेशन, 2013 में गए थे, नहीं गए थे 2013 में, वो नहीं गए 2012 में, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 2013 में, उनको उम्मीद थी आम आदमी पार्टी से। बार बार देखिए, ये बहुत इस प्रश्न को व्यक्तिगत तौर पे वही व्यक्ति जवाब दे सकता है जिसके साथ ये एक दूसरे से वार्ता हुई। नहीं, आम आदमी पार्टी के अंदर कुमार विश्वास के इस वक्त जो आपने डेफिनेशन दी थी, कुमार विश्वास एक कद्दावर नेता है, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूं, क्या आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो रहा है और मोदी के मुरीद हो रहे हैं कुमार विश्वास? कोई मोह भंग नहीं है, ये अफवाह है और उसमें कहीं ना कहीं मैं कहूंगा प्रत्यक्ष मीडिया भी, कुछ मीडिया के भी लोग हैं उसमें शामिल है कि कैसे भी आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, छोटा किया जाए, ये बताया जाए, भ्रमित किया जाए लोगों में कि देखो ये भी कांग्रेस और बीजेपी के तरह ही है। ये टैगलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, मीडिया वाले भी ज्वाइन करने की सच्चाई है, जिस तरह से चीजों को बदलाया जा रहा है ये गलत बात है, ये गलत बात है। सवाल दोनों पार्टी दोनों पक्षों से पूछे जाने चाहिए। ठीक है, मैं मौका दे रहा हूँ, स्वागत है, लेकिन नहीं, दोनों दोनों पक्षों को मौका मिलना चाहिए। टारगेट के मीडिया पे जो सवाल आ जाता है वो भाजपा के लोग गलत काम कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, बराबर की बात नहीं कर रहे, सब कुछ जीती नियत की बात करेंगे, सवाल को खड़ा कर रहे हैं, नहीं लगे बार नहीं, मुद्दों से भाग जाएंगे, भटकाएंगे देश को, है ना, इनके आते ही अब क्या हो रहा है देश में आपको सबको पता है, सपने देश देख रही है अभी क्या हुआ, सवाल तो पूछा जाना चाहिए, वो सबको पता है, पूरे देश के लोगों को पता है, सवाल पूछने के लिए तमाम अधिकार बने हैं, इनके गंभीर है इस समय, हम सरकार में नहीं, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये सरकार में तौर पर अभी भी विपक्ष की तरह बात करते हैं, इनको लगता ही नहीं है, ये अभी भी समझने में असफल है कि इनको जनता, जो राजनेता है राजनीति में जो लोग आए हुए हैं, जनता के सेवक है या जनता के नौकर, इससे बड़ा उनका कद नहीं है, लेकिन ये मालिक बन के बैठे हुए हैं, रूल कर रहे हैं और रूरल की तरह बात करते हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जैसा हो होना चाहिए वैसा होगा, अब ये पूरे देश में इनकी आंखें गड़ेंगी, कैसे भी इन केन प्राकेण दिल्ली की सत्ता हथिया लो, सत्ता में बैठ जाओ, इनको सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दिखती है और इनको अरविंद
अरविंद इसलिए भगौड़े दिखते हैं कि हमने कहा कि हम जन लोकपाल नहीं लाए तो हमने कुर्सी छोड़ दिया, और जबकि ये भगौड़े हैं सच्चाई में आज दिल्ली की जनता के ये गुनहगार हैं और ये चुनाव से भाग रहे हैं। दिल्ली की जनता चाहती है कि हो मुद्दों पे बहस हो रही है भाई, क्यों एक एक सवाल का उत्तर है, जो आप सवाल, हम लोग दूसरे मुद्दे को डाइवर्ट कहीं करते ही नहीं है, आप जो सवाल उठा रहे उसी को मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि कुमार विश्वास जी जहां भी कविता पढ़ने जाते हैं, जहां जी जाते हैं, सबसे ज्यादा नौजवान उनके साथ होता है, उसका प्रमाण अमेठी में मिल गया, जरा क्षमा कीजिए। मैं था अमेठी में ना, आप यही तो राजनीति बदलने हम आए हैं। आप जाइए छोटे छोटे लेवल पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, किस तरह की राजनीति है, आप भी उनको हम जगा पाएंगे जिस दिन वो लोग जाग जाएंगे। संदीप जी आप देश बदल गए थे, अमेठी में बराबर अमेठी के लोगों से पूछिए, सुनिए मैंने बता दिया, पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अपने एमपी से। अरे संदीप जी मैं वहीं का रहने वाला, आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए बात मत करिए। राहुल जी गए, संदीप लोगों ने घेरा, पूछा संदीप में बीच में जरा बोलने की की आदत बंद कीजिए, हम अब भी आपसे कह रहे हैं आप दूसरे चैनलों की तरह जो बीच में जरा दूसरे चैनल की बात ही नहीं। आपने 15 मिनट बोला, मैं धैर्य से सुना, नहीं नहीं बातें हैं वो सही स्पष्ट तरीके से जाना चाहिए, शांत रहिए, जवाब कहिएगा ना, नहीं जनता के बीच स्पष्ट बात जाना चाहिए। मैं आपसे तेज बोल सकता हूं, आपसे तेज मैं बोल सकता हूं, बुरा कहने आपसे मैं तेज बुरा 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 आपसे अच्छा भी बोल रहा हूं, इस तरह का अच्छा तो कहेंगे नहीं आपको, एक भी आज तक बताइए एक दिन एक भी अच्छा ही आपको आम आदमी पार्टी में दिखती है। मैं तो आपको अच्छा बताया, अच्छी बात सुन लीजिए, यही धैर्य आपको नहीं रहा, आप जो 48 दिन में 49 दिन में भागे, धैर्य रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि बहुत लोकप्रिय हैं, उसका जवाब वहां की जनता ने आपको दे दिया। आपने कहा कि बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपकी पार्टी में जब तक लोग रहते हैं ना तब तक बहुत अच्छे, सब साजिया इल्मी भी आपको बहुत अच्छे लगते थे, जितने लोग छोड़ के चले गए वो भी आपको बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आपकी करनी और कथनी में जो अंतर है, जो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत वादे किए, आप कैसे सरकार कैसे चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप ही पक्ष में आप ही विपक्ष में हैं, हम आपके सब सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप हम सरकार जब अच्छा काम कर रही तो आप भी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस भी विपक्षी भी तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी बात जो आपने सवाल किया आपने अभी विपक्ष की तरह गया ये बंदा, आपने विपक्ष की जनता इस साल में देख लेगी, विवाद दे क्या वादे और विपक्ष की तरह बात करने का आरोप लगाया, संदेशदारा भाषण दे रहे हैं, बहुत अच्छा वादा कर रहे हैं, संदीप जी सुनिए जरा, सुनने का जरा धैर्य रखिए, सुनने का जरा धैर्य रखिए, आप कर नहीं आए, आप विपक्ष की तरह हो गए, आप किसान कोई अंतर नहीं है, क्या एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म हो गए, क्या बिना रुपया दिए लोगों के काम हो रहे हैं, क्या लोग बिना रिश्वत दिए ठीक हो गए, आप वही कर रहे हो जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस की नीति को ही लागू कर रहे हो, आपकी नीति और नियत में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस की नीति और आपकी नीत साफ है, दोनों मिले हुए उसी एजेंडे पे आप काम कर रहे हो, एक नया काम आप बता दो, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं दिनेश जी, कांग्रेस और भाजपा मिली थी कि कांग्रेस और आप मिले थे, इसको देश की जनता क्षमा कीजिएगा, देख चुकी है, बताने की जरूरत नहीं संदीप जी। और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी कैसा शासन कर रही है, पूरी देश की जनता जान रही है, आपके समर्थन की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं एग्री हैं तो आप अपना लिए रहिए सामत, क्योंकि अभी यही तो कह रहे हैं, जो घमंड 10 सालों में कांग्रेस का नहीं है, वो घमंड अभी जुम्मे 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 सपने दिखा के आए हैं, उन्हीं सपनों के भरोसे आप घमंड में लबालब हो गए, ऐसे घमंडी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये बीजेपी वाले कम से कम कर रहे हैं, अब तो सबक है, सत्ता में आ गए, विपक्ष में नहीं है, जो आदत आपको विपक्ष में रहने की हो गई थी, सुनिए संदीप जी वही आदत आप दोहराते जा रहे हैं, नहीं विपक्ष में हाथ सुनने संदीप जी नहीं चाहते, जवाब इसी वजह से, इसी संदीप जी तो हिटलर शाही हो जाए, मैं आपसे विपक्ष के साथ हिटलर की तरह काम करेंगे, मेरी तरफ से सवाल पूछिए, हिटलर की तरह काम करेंगे, मेरी तरफ से हिटलर शाही चलाएंगे, संदीप जी से जो चाहेंगे वो करेंगे अपनी मर्जी से, जो चाहेंगे देश की जनता ने आप पार्टी को विपक्ष में रखा, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की स्थिति में सोचा, नहीं देश की जनता आज विपक्ष में है, जनता पूछेगी आप देश की जनता ने करके आए और जिसने हमने वोट दिया विपक्ष में रखा है वो कर रहा है, आप लोगों को विपक्ष में रखने के लायक भी नहीं समझी है, और विपक्ष में रखने के लायक भी आप तो पार्टी को नहीं रखी है, वो मुद्दा ठीक है कि दिल्ली में सरकार किसकी बने और विपक्ष में कौन जाए, और जो वो एक अलग मसला है, और सवाल ये है यहाँ पर वापस आते हैं, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, आज आपको बता रहे हैं दिल्ली में गलत तरीके से सरकार ठीक है हम खरीद बिक्री नहीं होने देंगे, दिल्ली को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे, ठीक जैसे आपने यूपी में
सुनिए तो सही, अरे चिल्लाने से थोड़ी कुछ होगा। हमारा जो मुद्दा है हम उस पर आते हैं, ठीक है, पार्टी या सरकार किसकी बनेगी वो एक अलग मुद्दा है। सवाल जो है कुमार विश्वास को लेकर था, कुमार विश्वास के अंदर या आम आदमी पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सवाल यह है संदीप दुबे साहब, उस पर मैंने आपसे जवाब मांगा था। लेकिन मैं यहां पर दुर्गेश जी से सवाल पूछना चाहता हूं, शुरुआत अगर आम आदमी पार्टी की जाए, जिस वक्त स्थापना हुई थी आम आदमी पार्टी की, उस वक्त भी कुमार विश्वास की तरफ से कुछ इस तरीके के चीजें सामने आई थी कि उनकी सहमति नहीं है। बाद में उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी और वो एक निष्ठावान नेता की तरह या एक कार्यकर्ता की तरह आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। अब अगर इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और अगर वो खुद फोन करते हैं, प्रोफेशनलिज्म का सवाल ठीक है, बार बार जिस चीज को उठाया जा रहा है कि वो प्रोफेशनल है, एक कवि है, वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी मंच को साझा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 2013 में नहीं गए हैं, 2014 में खुद फोन करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे भी आमंत्रित कीजिए या मैं भी आना चाहता हूं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो सवाल यह है कि 2013 और 2014 में ऐसा क्या फर्क है? बिल्कुल, देखिए क्या है कि एक प्रोफेशनल के तौर पर वो किसी भी मंच पर जाकर के अपना कविता पाठ करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता जो कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं अमेठी में, तो जाहिर सी बात है कि अब उनका कोई भी कदम या वो कोई भी बातचीत करते हैं तो उसका सीधा असर पार्टी पर होता है, पार्टी को कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव बना दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अब ये फोन उन्होंने किया या क्या बात हुई, ये तो व्यक्तिगत चीज है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस तरह की बातों के आने से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को के जो नेता हैं या जो पार्टी है उसको कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव मोड में आना पड़ रहा है, और अगर वो पार्टी के कद्दावर नेता है तो उनको भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि आखिर उनके किसी भी वक्तव्य से या उनके किसी भी क्रियाकलाप से अगर पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। धमका रहे हैं पार्टी को कुमार विश्वास, संदीप दुबे साहब, कुछ ऐसा तो है? बिल्कुल नहीं धमका रहे हैं, पार्टी छोड़ दूंगा अगर आप मुझे रोकते हैं तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, गलत अर्थों में उसको हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा पार्टी को प्यार करते हैं और पार्टी भी उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है, हम सब लोगों के वो चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मजबूत हैं पार्टी के साथ, वो मजबूत हैं, उनको लेके पार्टी मजबूत है। तो आज एक नए व्यवस्था की लड़ाई सबके मिलजुल के एक साथ रह के हो सकती है, अलग अलग भटक के नहीं हो सकती, और बीजेपी कांग्रेस वाले यही चाहते हैं कि हम लोग टूट जाएं, अलग अलग भटक जाएं, हमारी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं, और अपनी अपनी एक हमारे यहाँ कहावत है कि एक चलनी होती है ना, चलनी उसमें कितना छेद है वो नहीं देखती है, लेकिन वो सूप पे बार बार उंगली उठाती है कि देखो तुम में छेद है, देखो तुम में छेद है। देखिए बात सूप और चलने की यह नहीं है, आपने कहा, दुर्गेश जी ने कहा कि कुमार विश्वास बड़े नेता हैं, राहुल गांधी की धरती पकड़ भी पैदा हुए थे, हर चुनाव लड़ते थे, बड़े बड़े नेता की, किसी नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने से नेता बड़ा नहीं हो जाता है, उस नेता के खिलाफ अगर आप मत प्राप्त करते हैं अच्छा तो बड़ा नेता होता है। पार्टी में कोई आप कल पार्टी बनाइए उसमें उसको कह दीजिए सबसे बड़ा नेता है, नेता कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये देश की जनता बनाती है, नंबर एक काम। और दूसरी अभी क्या होगा इनके यहाँ, आगे आगे होता है क्या, चलिए आखिरी कमेंट दुबे साहब आप ही से, कोई अज्ञात कारण तो नहीं? नहीं नहीं कोई अज्ञात कारण नहीं है, यही कारण है जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, यही कारण है, आगे आगे है, होता है क्या, ये इनके हंसी हंसी में चाहते हैं कि कुछ हो, ये चाहते हैं कि कुछ हो और ये षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके षड्यंत्र चलिए ठीक है, कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के साथ रहे ये शुभकामनाएं, लेकिन सवाल यही है, नेता थे बिल्कुल, सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सत्ता किसकी दिल्ली में आने वाली है, और साथ ही साथ सवाल ये भी कुमार विश्वास क्या बीजेपी या नरेंद्र मोदी के मुरीद तो नहीं हो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वही वक्त है आज के सुदर्शन न्यूज के सवाल का, सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है, क्या आप नेता कुमार विश्वास बड़बोले हैं? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं, जवाब के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं, एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUD लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें, और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं।
सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो सवाल का जवाब कल रात 9 बजे के शो से आप पहले दे सकते हैं। इन तमाम जवाबों की प्रतिक्रियाएं कल रात 9 बजे के शो में दिखाई जाएंगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन कल का जो प्रतिक्रियाएं आए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं, क्या बदलते हालात में दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, ये हमारा सवाल कल का था। इसमें आप तक प्रतिक्रियाएं जो हम तक पहुंची हैं उसमें लोगों की राय है 73% का मानना है हाँ और 27% का है नहीं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।